सभी भाइयों को नमस्कार। सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। रेगुलर अच्छे पशु दिखाने के प्रयास में आज की वीडियो हम फिर से आपके लिए एक साथ काफ़ी भैंसे जो एक साथ आपको हमारी वीडियो में देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमारा प्रयास कि सेल परचेज का जो काम है, जो भाई बिक्री का काम करने वाले हैं वो रेगुलर आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। लेकिन आज हम कहेंगे एक ऐसे फार्म से हम वीडियो लेके आ रहे हैं जो पहले HF पे काम करते थे और आज HF का काम बंद करके मुर्रा पे आए हैं। तो आज इनके पास ये कुछ पशुधन बिक्री के लिए उपलब्ध है। सबसे पहले जो ओनर हैं उनसे मिलवाते हैं, बाद में एक एक पशु के बारे में डिटेल से पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। अपना शुभ नाम क्या है जी? ओमवीर सिंह। और गांव कौन सा है अपना? चीतलांग। आज टोटल कितनी भैंसे दिखा रहे? वैसे तीन भैंसे हैं। तीन भैंसे दिखा रहे हैं। चीतलांग गाँव महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो पहले नंबर की जो ये भैंस है कैमरे के सामने, इसकी क्या डिटेल है जी? ऐसे कितने गाय हुई है जी? 17 किलो दूध है डेयरी का। कितने दिन की होगी भाई? 10 दिन की गाय है। साथ में बच्चा क्या है? पढ़िया। पढ़िया। 10 दिन की ब्याई हुई, 17 किलो दूध, तीसरे ब्यात की ये हम कहेंगे जोटी भैंस, काफी बड़े साइज की। और इनके जो ये आज तीन भैंसे बिक्री के लिए दिखा रहे हैं उनमें सबसे सुपर क्वालिटी की ये भैंस है। इसको एक बार खुलवा लो जी। तो सींग की क्वालिटी बिल्कुल छोटा सींग, फुल साइज की। इस साइज की भैंसें शायद आपको हिसार या रोहतक में देखने को मिलेंगी। इतनी शानदार जो पशुधन, बिल्कुल छोटे सींग की लंबाई ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा। इसकी बात करें, इसकी जो नीचे से दिखाना चाहेंगे एक बार आपको, ले चलो उस साइड ले चलो भाई। काफ़ी बड़े साइज की भैंस, तीन भैंसे दिखा रहे हैं ये देख सकते हैं आप। जो इसकी आर्डर की क्वालिटी है बिल्कुल टाइट आर्डर है, ये देख सकते हैं। ले आओ भाई ले आओ, बिल्कुल टाइट आर्डर की। और ले आओ ब्रीडिंग के लिए जो पशुपालक पशु सिलेक्ट करने आज रेगुलर हरियाणा में काफ़ी भाई हैं जो पशु लेने आ रहे हैं। तो ऐसे पशु, इस साइज के पशु मैं कहूँगा काफ के लिए काफ़ी बेटर माने गए हैं। जो सीनरी वगैरह में जो इस टाइप की जो सींग वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, थन काफ़ी अच्छा है और टाइट लेवे की है। 17 किलो दूध, 10 दिन की ब्याई हुई में काफ़ी ज़्यादा होता है और साथ में फीमेल काफ। बात करें इसकी पुट्ठे की चौड़ाई, किसी तरह का कोई माइनस नहीं। टेल आपको ज़्यादा वाइट दिख रही है नीचे से, लेकिन बात करेंगे ओरिजिनल जो टेल वाइट है इसकी 5 इंच वाइट है। और 17 किलो दूध। दूसरे नंबर पे एक और जोटी, इसके बारे में और बताएं जी। दूसरा नंबर की ओर बताओ, ये कौन से ब्यात की? खार की। दांतों में कैसे? छह दांत। छह दांत वैसे दूसरे ब्यात की एज होगी जी इसकी। और अभी इसमें कितना दूध आज? 14-15। साथ में बच्चा क्या है? कटड़ा। अभी इसमें 14-15 किलो दूध तैयार है। फर्स्ट टाइमर बता रहे हैं। छह दांत खरीदी हुई है, घर की है? खरीदी हुई है। तो इन्होंने बाहर से परचेज की है और इनका दूध का काम है, देख सकते हैं। इसका जो आर्डर का साइज, थनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी, छह दांत दूसरे ब्यात की होती है। काफ़ी बार हमारे पास भी, शायद जो हमने 1 वीक पहले जो वीडियो डाली थी वो हमने सेकंड टाइमर बता के सेल की थी, जबकि बड़ी एज में बच्चा दिया था वो फर्स्ट ही टाइमर थी। इसलिए काफ़ी बार जो बड़ी एज में 6 दांत या 8 दांत भी बच्चा देती हैं वो जोटियाँ दूसरे ब्यात वाला साइज बना लेती हैं। शरीर का सींग आप देख पा रहे हैं, रिंग सींग है। और इसकी जो नीचे से क्वालिटी दिखाएंगे आर्डर की, जो थनों की काफ़ी शानदार है, क्योंकि इस टाइप के थन ओरिजिनल जो मुर्रा के थन बिल्कुल मुठिया आकार के, वैसे हर कोई पशुपालक बोल देता है लेकिन ओरिजिनल जो मुठिया आकार के थन हैं वो इन्हें कहते हैं। इनके जो काफ उस साइड बंधे हुए हैं। लास्ट में ये वाली जोटी है जी, इसके बारे में और बताएं, तीसरे नंबर वाली। घर की पार्टी से जी जी। क्या दांत? 4 दांत। इसकी जो डिलीवरी डेट क्या है वैसे? 17 तारीख में 10 पूरा हो जाए। तो इसकी माँ का दूध कितना था जी? 25 किलो। 4 दांत जोटी घर की तैयार की हुई है और इसकी मदर का 25 किलो दूध। अभी बच्चा देने में थोड़ा टाइम बाकी है। सींग आप देख सकते हैं थोड़ा पीछे की तरफ राउंड हो रहा है और नीचे से इसकी आर्डर की क्वालिटी काफ़ी शानदार है। टेल में कुछ बाल अंदर वाइट हो सकते हैं। काफ़ी बड़े साइज़ की कटड़ी, 4 दांत में इतना बड़ा साइज। और इसकी जो नसें आप देख पा रहे हैं शरीर में अलग ही दिखाई पड़ रही हैं। थोड़ा शायद इनका खेतों में फार्म है
इसलिए थोड़ा इसको एलर्जी टाइप भी दिखाई पड़ रहा है, मक्खी वगैरह मच्छर वगैरह ज़्यादा जो खुले में फार्म है। तो ये तीनों पशु इनके पास बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, दिखाना चाहेंगे। काफ़ी बड़ा फार्म है यहाँ पे, पहले HF गाय रखते थे और अभी धीरे धीरे मुर्रा जो भैंसे लेके आ रहे हैं। बिक्री का भी काम पहले किसी तरह का नहीं था, अभी पहली बार इन्होंने अपने फार्म पे मुर्रा भैंसे लेके आए हैं जो बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। और किसी भी तरह के अदर डिटेल के लिए इनका मोबाइल नंबर रेगुलर चल रहा है। ये दोनों जोटियाँ काफ़ी शानदार क्वालिटी की आप देख पा रहे हैं साइज, क्योंकि एक मुर्रा पशुधन में काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। पुट्ठे की चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अच्छी दूध वाली भैंस की जो पीठ और मैं कहूँगा जो अडर क्वालिटी है या सींगों की क्वालिटी, वो सब मैटर करते हैं। और ये चीज़ें इन पशुधन में आपको देखने को मिल रही हैं। अदर डिटेल के लिए इनसे आप संपर्क करके इन पशुधन के बारे में जान सकते हैं। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।